जाने का नमन नमा दोस्त, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चिट्ठी मुझे मिला। ओ जे रोज गार्डन है ना, रोज वैली, वो रोज गार्डन का गार्डनर के पास से। मैंने इतना बाढ़ पड़ा वो पूरा मेमोराइज हो गया। एक कागज का कोई काम नहीं, पूरा मैं बता सकता हूं इसको छोड़ के। तो फिर दोस्त, कुछ वक्त के लिए मैं ही बन जाता हूं गौतम कुंड, और सुनिए मेरा मुंह से, मैं गौतम कुंड हूं, रोज पहले का हीरो। मेरा चिट्ठी आप पूरा पढ़ लेंगे तो गारंटी देता हूं जो लेसन आपको यहां से मिलेगा, जो शिक्षा आपको यहां से मिलेगा, कोई कॉलेज विश्व का कोई यूनिवर्सिटी आपको दे नहीं सकेगा। ए पंडा 20 सालों में जो शिक्षा मुझे मिला वही मैं शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ। दोस्त, अभी तो मैं एक 6x7 कोठरी जेल के अंदर हूं, बट एक दिन था जब मेरे पास हजारों करोड़ों दोस्त थे। क्या नहीं थे मेरा, वो जो मिनिस्टर को आप देखते हो ना, पॉलिटिकल लीडर्स को आप जो देखते हो ना, वो सब आगे पीछे सैल्यूट सुखते थे मुझे। मानी से सब होता है दोस्त, ये विश्वास था उस दिन मुझे। आज थोड़ा सा चेंज वाह जरूर बताऊंगा मैं मेरा ये 20 बिखो मैंने पोता था ओ लेप फंड का टाइम पर, बट ये पेड़ जो एक मोर मोहिर होगा, एक वृक्ष हो गया, तब दूसरा कोई तो आ गया। अब फूल फल जो भी हुआ, अब जो लोग हैं भरपूर मजा तो उस लोगों ने लिया, फिर मुझे भेज दिया जेल में। क्या है, अरे ये गार्डन का, ये रोज गार्डन का मधु आप सबने चखा और भेज दिया मुझे जेल में। 1.5 साल मैं चुप रहा, कोई कुछ नहीं बोलते। फिर मैं ही सब निकाल दिया सीबीआई को, और सीबीआई का केला पाता होता था, मैं नहीं बोलता तो सब उगल दिया। दोस्तों, उसको सीबीआई को मालूम नहीं है मैं कितना लूटा। वो सोचते पंडा 1000 करोड़, 15,000 करोड़, अरे नहीं रे नहीं, मैं 30,000 करोड़ लूटा, डबल लूटा, और उस मणि को मैं साइज कर दिया। और जब जेल से रिहा होऊंगा ना, फिर तो मैं और एक बार हैप्पी प्रिंस बन जाऊंगा। सीबीआई का थोड़ा मालूम पड़ता है, स्विस बैंक इसको मालूम नहीं है, वो कितना सारी आदमी उधर रखता है, वो क्या करेगा। ओ पीएम मोदी जी और आदर्श, कुछ नहीं कर सकते मुझे। अरे मैं क्या नहीं किया मेरा बिजनेस के लिए, सबको लगा दिया। मेरे वाइफ को भी मैं नहीं छोड़ा, अरे वाइफ तो दूर के बाद, मेरे माँ को भी नहीं, मैं नहीं छोड़ा उसको भी। ये चिट फंड का अंदर डाल दिया, डायरेक्टर बना दिया,
अरे टॉली बॉली वाली किसको छोड़ा? अरे और थोड़ा दिन रुक जाता तो टॉलीवुड तो मैं ले लिया ही, बॉलीवुड भी थोड़ा सा ले लिया, और कुछ दिन रुक रहता तो हॉलीवुड भी मेरा ही हो जाता था। अरे आप देखा नहीं साकिरा? अरे यार कुछ दिन बाद अरेस्ट होता तो आप मुझे साकिरा के साथ भी डांस करना देखते। वो नहीं पाया दोस्त, क्योंकि ये जो पाप मैंने किया मुझको सजा तो मिलना ही चाहिए। 100 से ज्यादा लोग सुइसाइड कर लिया, ये मेरे लिए हजारों करोड़ लोगों को मैंने लूटा, उसका एक एक रुपया खाके ना पी के वो जो सेव किया उसको मैं लूट। अरे वो जो जो मेरा चीट फंड में जब सेविंग कर रहा था उसको दिमाग में नहीं था, अरे ओवाल लैंड था, धनुलक्ष भी था, वीराना था, इतना कितना सारा चीट फंड पहले में था, चीट कर ले गया वो, फिर विश्वास किया, डाल दिया टाका उसका सेविंग्स, चीट कर लिया मैंने और आयस किया, इतना घड़िया इतना फ्लैटो वो साउथ सिटी पर क्या किया ना किया, हा हैप्पी प्रिंस था मैं। मैं तो मेरा बेटा को भी नहीं छोड़ा, 75 लेके दिए उसका भी। दोस्त पाप कभी किसी को नहीं छोड़, हमको भी नहीं छोड़ा गया दोस्त। अब मेरा बेटा मुझे कहता है बाप थोड़ा सा डाल रुपये मिल जाते तो ये लाइफ तो हम अच्छा तरह चला लेते हैं, एक सड़क जैसा जिंदगी हम भी जी सकते हैं। मेरा माँ भी मुझे बोलता है बेटा तू ऐसा ऐसा कैसे हो गया, इतना बड़ा चीटिंग कैसे बन गया, मुझे भी नहीं छोड़ा, मेरा वाइफ वो भी मुझे क्या ना कहते, कोई कोई नहीं है मुझे। जब मेरा वो क्लोज गार्डन था कितने सारे आए मधु पिए चले गए, अब तो मैं और मेरा एक कुटरी। दोस्तों आप कभी कभी ऐसा मत करना, एक ईमानदार का जिंदगी जी रहो। हाँ ईमानदार का जिंदगी में थोड़ा बहुत कष्ट जरूर होता है, बट आनंद आता है, मजा आता है दोस्त। वो फैमिली लेके थोड़ा दाल रोटी लेके थोड़ा मोटा कपड़ा लेके, हाँ जिंदगी तो आराम से चला जाता है। ये ऐसा मेरे जैसा ना बनना।